नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एक नए सुडोकू पजल सुडोकू नवताल करके जो वर्क पहली आती है उसको सोल्व करने वाले हैं। और यहां पे आप लिखा देख सकते हैं कठिनता के स्तर के लिए इसको 5 सितारे मिले हुए हैं, मतलब काफ़ी टिपिकल हो सकता है ये। लेकिन अगर आपको जो बेसिक इसके रूल्स हैं और जो शार्पनिंग टेक्निक आपको पता है तो आप इजीली इसको फिल कर पाओगे। एक बार बेसिक रूल क्या होते हैं, शार्पनिंग टेक्निक क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो ये है कि जो भी आपके पास रो है ना, इनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, और जो कॉलम्स हैं इनमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये जो स्क्वायर बॉक्स आप अलग अलग कलर में देख रहे हैं इनमें भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये इसके बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। अब बेसिक रूल्स पे तो हमने डिस्कस कर लिया। कई बार क्या होता है कि ये जो बेसिक रूल्स है ना, इनको हम फॉलो करते हैं और जितने हो सके उतने डिजिट तो फिल कर पाते हैं, लेकिन ऐसा केस भी कई बार आता है जब बेसिक रूल को फॉलो करने के बाद भी कोई स्क्वायर बॉक्स फिलअप नहीं होता, तो वहां पे शार्पनिंग टेक्निक यूज करनी होती है हमको। अब वो शार्पनिंग टेक्निक क्या है तो उसको समझते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो पहले क्या मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन से डिजिट आ सकती है। तो उसके लिए देखो, शुरुआत हम शार्पनिंग टेक्निक से करेंगे। ये जो स्क्वायर बॉक्स है, अगर इस स्क्वायर बॉक्स में मैं 8 को देखूँ तो इस 8 की वजह से इन तीनों में 8 नहीं आएगा, वरना इन तीनों में कहीं 8 आ गया तो 8 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू गलत हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में नहीं आएगा और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब स्क्वायर बॉक्स एट इन दोनों में से कहीं आएगा, ठीक है। अब आपने बता दिया कि इस स्क्वायर बॉक्स में 8 तो आएगा और वो कहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अब देखो इस रो में, इस कॉलम में मैं इस 8 को भरने वाला हूँ, कैसे, क्योंकि आपने बता दिया कि यहाँ पे इन दोनों में से कहीं ना कहीं फिक्स है 8 तो आएगा और यहाँ पे ही आएगा, इन दोनों में से कहीं एक जगह आएगा, ठीक है। तो ऊपर तो 8 आने से रहा, ऊपर तो 8 आएगा नहीं, ठीक है। इसमें पहले से है तो इनमें भी नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, यहाँ पे आ चुका इन तीनों में नहीं आएगा, इन तीनों में 8 नहीं आया, इसमें इसकी वजह से नहीं आया, या फिर आप ऐसे समझो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आया, और दो पॉसिबिलिटी बची आपके पास, दो पॉसिबिलिटी में इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं आएगा, तो 8 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ये होती है शार्पनिंग टेक्निक। तो 8 को मैंने यहाँ पे फिल किया, ठीक है। तो शुरुआत हमने इसकी शार्पनिंग टेक्निक से की है। ऐसे ही अगर आप और देखना चाहो तो अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स में देखूं, इस 4 की वजह से ये तीनों 4 कैंसिल हो रहे हैं और इस 4 की वजह से अब ये भी कैंसिल हो गया, तो एक पॉसिबिलिटी बची। अगर ये मैं पहले फिल नहीं करता तो 4 की दो पॉसिबिलिटी थी, मैंने नहीं फिल कर पाता, इसलिए मैंने देखा कि जो 8 है वो 8 इन दोनों में आ रहा है, अगर इस स्क्वायर बॉक्स में तो इनमें नहीं आएगा, इसकी वजह से इनमें नहीं आएगा, इसकी वजह से इनमें नहीं आएगा, और इसकी इस 8 की वजह से इनमें नहीं आएगा, तो 8 यहाँ पे फिल हो चुका था और 8 अब यहाँ पे फिल हो गया, तो डेफिनेटली 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस 4 की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, इस 4 की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, तो 4 के लिए यही एक प्लेस बाकी बचता है और कोई इसका ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। तो सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस जब भी आती है तो हम उसको फिल करते हैं, और अगर सिंगल डिजिट की दो पॉसिबिलिटी है तो वो रिस्क क्रिएट होती है, वो रिस्क हम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, ओके। और देखो अब अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स में 4 को देखूं तो इस 4 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, इस 4 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, तो 4 को फिर यहां पे आना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये एक ही साइड के मैंने 3 डिजिट फिल कर दिए हैं, ठीक है। और देखो और कहां पे हम क्या फिल कर पा रहे हैं, अगर मैं किसी डिजिट को देखूं, जैसे कि मैं 4 को देखूं तो 4 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो 4 क्या मैं और कहीं फिल कर पा रहा हूं? अगर मैं चेक करूं 4 को, इसमें चेक करूं तो इसमें इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 3 पॉसिबिलिटी हैं, रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो इन दोनों में 4 आ रहा है, तो अभी इसके लिए भी रिस्क है, इनमें तो रिस्क बनी हुई है, ठीक है, तो 4 को हम नहीं चेक कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, और डिजिट को चेक करते हैं। तो अगर मैं शार्पनिंग टेक्निक से देखूं, इस स्क्वायर बॉक्स में देखो यहाँ पे 5-8 आ चुका ना, देखो इसमें, तो इन तीनों में कहीं भी ना तो 5 होगा ना कहीं 8 होगा, तो इन तीनों में 5 और 8 नहीं है क्योंकि ऊपर आ चुके हैं, तो इन दोनों में 5 और 8 होंगे, यानी आपने फिक्स कर दिया 5 और 8 को, इन दोनों में से कहीं एक जगह होगा, ठीक है। अब 5-8 को आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इस स्क्वायर बॉक्स में और देखो 1, 2, 3 नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो 3 इन दोनों में हो सकता है। अब आप ये नहीं बोलोगे सर यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि आपने इन दोनों में तो 5 और 8 को फिक्स कर दिया,
थ्री इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो थ्री की दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सिक्स की भी दो पॉसिबिलिटी है, सिक्स देखो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे फाइव एट को आपने फिक्स कर दिया, सिक्स की दो पॉसिबिलिटी, इसका मतलब इन दोनों में थ्री और सिक्स फिक्स कर दिए, तीन और छह इन दोनों में फिक्स कर दिया, पांच और आठ इन दोनों में फिक्स कर दिया, कौन बच गया? नो, नो को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। अब आप दूर दूर तक नहीं सोच पा रहे थे कि यहाँ पे नो कैसे आ सकता है, नो की अगर देखे तो बहुत सी पॉसिबिलिटी बन रही थी, ठीक है, लेकिन हमने नो को यहाँ पे शार्पमैन टेक्निक यूज करते हुए फिल किया। ओके, अगर यहाँ पे हमने नो को फिल किया है तो अब नो को इस स्क्वायर में फिल कर पा रहे हैं, कैसे? इस नाइन की वजह से इन तीनों में नाइन नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो नाइन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। हो पा रहे इजीली? ठीक है, ओके। और अगर मैं और ऐसे ही चेक करूं तो और कहां से मेरे को क्या डिजिट मिल सकती है? देखो नाइन यहाँ पे काफी टाइम लिखा जा रहा है, ठीक है, अब इसमें आ जाओ आप, इसमें नाइन नहीं दिख रहा मेरे को, इस नाइन की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, इस नाइन की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, नाइन की दो पॉसिबिलिटी और इसकी वजह से ये भी खत्म, तो नाइन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ, इसमें भी नाइन नहीं है, तो इस नाइन की वजह से इसमें नहीं आएगा, इस नाइन की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, नाइन की दो पॉसिबिलिटी, इस नाइन की वजह से नाइन यहाँ पे नहीं आएगा, तो नाइन को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, और इसमें नाइन, इसमें भी नहीं है, तो इस स्क्वायर बॉक्स में अगर मैं नाइन फिल करूं तो इस नाइन की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस नाइन की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, नाइन की दो पॉसिबिलिटी, इस नाइन की वजह से यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो नाइन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और देखो नाइन कहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी आप फिल कर पाएंगे, इस नाइन की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस नाइन की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, नाइन की दो पॉसिबिलिटी है और इस नाइन की वजह से यहाँ पे नाइन नहीं आएगा, नाइन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। नाइन सभी में फिल हो चुका है, ओके ओके। अब और देखो, और हम क्या फिल कर पा रहे हैं? अब देखो ये जो स्क्वायर बॉक्स था इसमें हम चार को देख रहे थे, तो इस फोर की वजह से इन दोनों में नहीं, इस फोर की वजह से इन दोनों में नहीं, अब फोर की सिंगल पॉसिबिलिटी बची, उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, ओके। फोर भी फिल हो गया, और देखो और कहाँ पे हम क्या फिल कर पा रहे हैं? और अगर मैं चेक करना चाहूँ तो देखो इस स्क्वायर बॉक्स में अगर मैं वन को देखूँ, इस वन की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, इस वन की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, तो वन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे और देखो, और कहाँ पे क्या फिल कर पा रहे हो आप? और अगर मैं चेक करूँ, वन को मैंने फिल किया, वन इसमें भी आ गया, इसमें भी, इसमें चेक करो, इसमें नहीं है वन, ठीक है, तो इस वन की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इस वन की वजह से तीनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो वन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है जी। ये वन भी हमने फिल कर दिया, और देखो और हम क्या फिल कर पा रहे हैं? और अगर मैं चेक करूं, वन को ही मैं चेक करूं, पहले वन इसमें भी आ गया, इसमें इसमें है, तो इसमें आना चाहिए। अब इस वन की वजह से इन दोनों में वन नहीं आएगा, इस वन की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, वन की दो पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो वन को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और देखो इसके अलावा और कहाँ पे क्या फिल कर पा रहे हैं? वन यहाँ पे भी नहीं है ना, इसको फिल करो अब, इसकी वजह से वन यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से इन तीनों में नहीं है, तो वन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ये लो जी, वन को मैंने यहाँ पे फिल किया, अब इसमें भी वन नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो पहले मैं इसमें फिल करता हूँ वन को, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी, इस वन की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो वन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और अब इसमें आ जाओ, इसकी वजह से इन तीनों में वन नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा वन, तो वन को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, तो वन को मैंने यहाँ पे फिल किया, ओके। अब वन को और वन के लिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सभी में वन आ चुका है, ठीक है जी। अब वन आ गया तो और डिजिट को देख लेते हैं। देखो जब एक डिजिट पूरी हो जाती है ना, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है और पॉसिबिलिटी और डिजिट आने की जल्दी बनती है, ठीक है। अगर मैं अब इस कॉलम को देखूँ तो वन आ गया, टू की कमी है, ठीक है, इसमें तो टू आएगा नहीं कहीं, टू यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी के साथ है, टू यहाँ पे आ सकता है और टू यहाँ पे आ सकता है, अभी रिस्क है टू के लिए। थ्री को चेक करो, थ्री इन दोनों में से किसी एक में आएगा, ठीक है। अगर थ्री इन दोनों में से किसी एक में आ रहा है, इसका मतलब थ्री यहाँ पे नहीं है और थ्री यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इनमें थ्री तो है नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या फिक्स किया था, एक बार फिर से चेक करो, इसमें आपने फाइव एट को फिक्स किया था और इसमें थ्री सिक्स को फिक्स किया था, ठीक है, यहाँ पे फाइव एट आ चुके हैं, यहाँ पे थ्री सिक्स आ चुका था, ओके, ये आपने फिल कर रखा है।
तो 3 आ गया, 4, 5, 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 यहाँ पे नहीं आएगा, आपने इन दोनों में 3 और 6 को फिक्स कर रखा था, इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं आएगा, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, तो 7 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब चेक करो स्टार्टिंग में आप किसकी पॉसिबिलिटी बता रहे थे इनमें से, 1, 2 की, 2 इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में आ चुका, तो 2 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया जी, और देखो और कहाँ पे क्या फिल कर पाएं, अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स में देखूँ तो इसमें देखो किसकी कमी है, 1 आ गया, 2 की कमी है, 2 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 की 2 पॉसिबिलिटी, 3 की तो तीनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। 3 किस में फिक्स किया था आपने, 3 को यहाँ पे फिक्स किया था, हाँ 3 को और 6 को यहाँ पे फिक्स किया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने 5, 8 को फिक्स किया था। 3, 4, 5, 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 के लिए भी रिस्क है, 7, 8, 9 ऑलरेडी है तो ये अभी फिल नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, और डिजिट को चेक करते हैं, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे अगर मैं चेक करूँ इसमें देखो, अब 1 आ गया, 2 की कमी है, 2 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 2 की 1 पॉसिबिलिटी, 2 की 2, 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में 3 ऑलरेडी है, तो 3 की ये 2 पॉसिबिलिटी है तो 3 की रिस्क है। 4, 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया तो इन दोनों में नहीं आएगा, यहाँ पे 5 की पॉसिबिलिटी है। 6 के लिए अगर मैं चेक करूँ तो 6 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 6 की भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। 7, 8, 9 ऑलरेडी है, ये भी हमको कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स में देखूँ, इस 7 की वजह से 7 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से 7 यहाँ पे नहीं, तो 7 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ओके 7 यहाँ पे आ गया। अब देखो इस स्क्वायर बॉक्स में आप इसमें किसकी कमी देख रहे हो, इस रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 की कमी है, 7 की कमी, 8, 9 है, 6, 7 आपने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, 6 और 7 यहाँ पे बता रहे हो, तो इन तीनों में किसकी कमी है, 6, 7 आ गया, 1, 2, 3 की कमी है, 3 यहाँ पे 4, 5 की कमी है, तो 5 के लिए भी अभी रिस्क है, 6, 7 यहाँ पे बता दिया, 8 इन दोनों में और 9 ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा तो इसमें देखो किसकी कमी है, 1 आ गया, 2 की कमी है, 2 की 3 पॉसिबिलिटी है, 6 देखो ना, 6 आप इस 6 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 6 अगर आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो 6 की ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, ओके रिस्क है, एक बार इसको चेक करो, 6, 7, 8, 9 आ गया, 5 को चेक करो, 5 इस स्क्वायर बॉक्स में 5 आ चुका तो नहीं आएगा, 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ये लो जी 5 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। अब देखो इसमें किसकी कमी, 1, 2 की कमी है, ये लो 2 यहाँ पे आ गया, ओके। अब देखो इसकी वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा, और 2 पॉसिबिलिटी है 2 की, इसकी वजह से 2 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब ये पूरी होने को जा रही है, 1, 2, 3 की कमी है तो 3 यहाँ पे आएगा, बाकी सारे हैं, 3 आ गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गए सारे, ठीक है। अब इस स्क्वायर बॉक्स में सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस कौन आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की कमी है तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है जी, 6 यहाँ पे आ गया। और देखो 6 अगर यहाँ पे आ गया, अब इसमें देखो इन दोनों में आपने 5, 8 को फिक्स किया था ना, तो जो बचा वो यहाँ पे आएगा, क्या बचा, 5, 8 आपने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, क्या बचा 5, 8 के अलावा इस रो में, 1, 2, 3 बचा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात। और देखो और कहाँ पे क्या आ सकते हैं, 3 यहाँ पे आ गया, 3 की, अच्छा ये 2 पॉसिबिलिटी बच रही है, 3 और 6 की 2 पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है ठीक है, और यहाँ पे 5 और 8 की पॉसिबिलिटी है, ओके। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 की कमी है, यहाँ पे 6 की कमी है, तीनों में आ सकता है, 7 इन दोनों में, 8, 9 रिस्क का भी, ठीक है। अगर मैं इसमें चेक करूँ तो इसमें देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 की कमी है, 3 यहाँ पे आ सकता है, 3 यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। 4, 5, 6, 7, 8 को चेक करो, इसकी वजह से 8 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब कौन बचा था, 3 बचा था, तो 3 आ गया यहाँ पे, ओके। इसकी वजह से इन दोनों में 3, इसकी वजह से इन दोनों में 3 ब्लॉक हो गया, 3 की 3 पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 3 की अभी रिस्क है, कोई बात नहीं, रिस्क है तो नहीं लेंगे उसको।
और अगर मैं कहीं चेक करूँ तीन को, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये दो पॉसिबिलिटी, इधर भी ये दो पॉसिबिलिटी है, तीन की भी अभी रिस्क है। ओके, और इसमें और कौन आ सकता है? छः, देखो इस स्क्वायर बॉक्स में छः यहाँ पे आ गया, तो इन तीनों में नहीं आएगा, तो छः को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, छः यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगर मैं चेक करूँ तो किसकी कमी है? एक, दो की कमी है, इन तीनों में से दो आएगा, ठीक है। और दो आ गया, तीन, चार, चार की कमी है, तो चार की दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। चार, पाँच को अगर मैं चेक करूँ तो पाँच ऑलरेडी है, छः, सात, आठ को अगर मैं चेक करूँ तो आठ की दो पॉसिबिलिटी है, तो इसकी भी अभी रिस्क है। ओके, अब आठ देखो ना, आप यहाँ पे आ चुका आठ, इसमें आप फिल कर दो, पाँच आठ कुछ चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, तो इन दोनों में पाँच आठ बता रहे थे, तो आठ इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, आठ फिर यहाँ पे आएगा। बच्चा कौन? पाँच, पाँच यहाँ पे आ गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। और अगर मैं पाँच को चेक करूँ इस स्क्वायर बॉक्स में, इन तीनों में नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी है, तो पाँच की भी अभी रिस्क है। कोई बात नहीं, पाँच की अगर रिस्क है तो यहाँ पे पाँच नहीं आ रहा, पाँच यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बच रही है। कोई बात नहीं, इसको चेक करो, इस रो को, या फिर इस रो को कर लो। अगर मैं इसको चेक करूँ, वन टू थ्री फोर की कमी दिख रही है मेरे को, तो फोर यहाँ भी आ सकता है, फोर यहाँ भी, फोर यहाँ भी, रिस्क है फोर के लिए। फाइव, फाइव यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा इन तीनों में, ठीक है। और फाइव यहाँ पे भी आ सकता है। सिक्स, सेवन को अगर मैं चेक करूँ तो सेवन यहाँ पे आ सकता है, सेवन यहाँ पे आ सकता है। अब आपने दो डिजिट को फिक्स कर दिया है, फाइव और सेवन को। देखो फाइव की पॉसिबिलिटी है, फाइव की पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आया। इन दोनों में फाइव और सेवन को चेक करो, इन दोनों में ही सेवन बता रहे हो, तो फाइव सेवन यहाँ पे आ गए, इन दोनों में फिक्स हो गया, तो जो बचा वो यहाँ पे आएगा। फाइव सेवन के अलावा क्या बचा? फोर बचा, ठीक है, तो फोर को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, फाइव सेवन आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। इसमें चेक करो, इसमें दो डिजिट, दो प्लेस बाकी, एक, दो की कमी है, तो दो की दो पॉसिबिलिटी है, तीन, तीन की कमी है, तीन के लिए भी अभी रिस्क है, दो तीन इनमें बचे हुए हैं, कोई बात नहीं, बच्चे रहने दो इनको। और अगर मैं अब ऐसे चेक करूँ तो वन टू थ्री आ गया, फोर को अगर मैं चेक करूँ, फोर की दो पॉसिबिलिटी है, फोर की ये तीन पॉसिबिलिटी है, फाइव को अगर मैं चेक करूँ तो फाइव की ये दो पॉसिबिलिटी है, फाइव की इधर भी पूरी पॉसिबिलिटी है, इधर भी पूरी पॉसिबिलिटी, इसमें नहीं आएगा इसकी वजह से, ठीक है। सिक्स को अगर मैं चेक करूँ तो सिक्स यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, सिक्स की दो पॉसिबिलिटी है, एक ये। सेवन, एट को अगर मैं चेक करूं तो एट यहां पे आ सकता है और यहां पे आ सकता है, एट की भी अभी रिस्क है। कोई बात नहीं, और डिजिट को चेक करते हैं। देखो आपने अभी चेक किया था, इन दोनों में दो और तीन आ सकते हैं, ठीक है। इस स्क्वायर बॉक्स में देखो, इसमें दो, इसमें तीन, इन दोनों में से किसी एक में दो, एक में तीन आ रहा है, ठीक है। दो तीन के अलावा कौन बच गया? सात बच गया, तो इस सात की वजह से सात यहां पर नहीं आएगा, तो सात को यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। और कौन बच गया दो तीन के अलावा? एक, दो, तीन, चार, पांच बच गया, पांच को फिर यहां पे आना पड़ेगा। ओके, अगर पांच आपने यहां पे फिक्स कर दिया, इसकी वजह से इन तीनों में नहीं, इसकी वजह से यहां पे नहीं, तो पांच को यहां पे आना पड़ेगा, ठीक है। दो तीन आपने यहां पे फिक्स कर रखा है, और यहां पे किस किस की कमी है? देखो एक आ गया, दो की कमी है, दो की दो पॉसिबिलिटी है, तीन आ गया, चार आ गया, चार, चार को अगर मैं चेक करूं चार की पॉसिबिलिटी है, पांच आ गया, छह, सात, आठ की कमी है, आठ की यहाँ पे, तो इसकी तो भी रिस्क है। कोई बात नहीं, अगर मैं इसमें चेक करूँ तो कौन कौन? तीन और छः नहीं आ रहा था ना, तीन और छः आना चाहिए था इसमें। ओके, अगर मैं इसमें चेक करूँ तो एक, दो की कमी है, दो यहाँ पे आ सकते हैं, दो यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। तीन यहाँ पे आ सकते हैं, तीन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। चार, पाँच, छः, छः यहाँ पे आ सकते हैं, छः यहाँ पे आ सकते हैं, सात, आठ, नौ ऑलरेडी है। इसमें चेक करो, इसमें एक, दो, दो की पॉसिबिलिटी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीन, तीन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे और यहाँ पे, चार, चार इन दोनों में, पाँच, छः, छः को अगर मैं चेक करूँ तो छः यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सात, सात को अगर मैं चेक करूँ तो सात की तीन पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, नहीं लेंगे। आठ नौ ऑलरेडी हैं, कोई बात नहीं, औरों को चेक करते हैं। देखो इसमें किसकी कमी है? इसमें अगर मैं देखूं, एक, दो, तीन की कमी है, चार, पाँच, हाँ देखो पहले इन दोनों में देखो, इन में देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात की कमी है, यानी आपने इन दोनों में छः सात फिक्स कर दिया, इन दोनों में छः सात फिक्स कर दिया,
और 5 और 8 की भी तो कमी है इनमें, तो 5 और 8 इन दोनों की वजह से इनमें नहीं आएगा, और 6-7 आपने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो 5-8 की दो पॉसिबिलिटी। इसका मतलब 5-8 यहाँ पे फिक्स कर दिया, 6-7 यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्या बच गया 5-8 6-7 3 बच गया, 3 को यहाँ पे लिखो फिर, ठीक है ओके। इस 3 की वजह से इन दोनों में 3 नहीं, इसकी वजह से इन तीनों में नहीं, तो दो पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे 3 नहीं, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें 3 ऑलरेडी है, ओके ओके ओके, तो अब कहाँ पे क्या आ सकता है, 5-8 आपने यहाँ पे बता दिया ना, ठीक है 5-8 इन दोनों में से होगा, ओके। और चेक करो, तो अगर मैं इसमें चेक करूँ 5-8 की कमी है, 5 को अगर इसमें चेक करूँ तो 5 इन दोनों में नहीं आएगा, 5 यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे रिस्क है। और 8 को और चेक करो, 8 को अगर मैं चेक करूँ तो 8 इन दोनों में नहीं आएगा, इस स्क्वायर बॉक्स में आ गया, ठीक है। इस कॉलम में मैं 8 को चेक कर रहा हूँ, दोनों में 8 नहीं आएगा, इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 8 की दो पॉसिबिलिटी है, और इस 8 की वजह से 8 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा, और आपने अभी 5-8 को फिक्स किया था तो 5 आ गया यहाँ पे, ओके। अब और देखो, और 5 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन तीनों में नहीं, तो 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस वाले कॉलम में 1 आ गया, 2 की कमी है, 2 पॉसिबिलिटी है, 3 4 5 6 को चेक करो, 6 यहाँ पे आ सकते हैं बिल्कुल, 6 यहाँ भी, यहाँ भी, 7 को अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे आ सकते हैं 7, और यहाँ पे आ सकते हैं 8-9 ऑलरेडी है, तो अभी इसकी रिस्क है। अगर अब मैं इस रो में चेक करूँ, 1 आ गया, 2 की कमी है, 2 यहाँ पे नहीं आएगा इस स्क्वायर की वजह से, ये आ गया 2, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस स्क्वायर बॉक्स में जाओ, 1 2 3 4 की कमी, इस 4 की वजह से यहाँ पे 4 नहीं, 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गया, 8 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है 8 आ गया। अब देखो 8 इन दोनों में से, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी है, और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं चेक करूँ किसको, 3 की कमी थी ना, 3 तो आ गए इसमें, इसमें किसकी कमी है एक बार चेक करो, 1 2 3 4 5 की कमी है, यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 की कमी है, इसकी वजह से 6 यहाँ पे नहीं, 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 7 की कमी है, 7 यहाँ पे आएगा फिर। अब सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस इस रो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ चुके हैं। अब 3 डिजिट है यहाँ पे, देखो किसकी कमी, 1 2 की कमी है, इसकी वजह से 2 यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से 2 यहाँ पे नहीं, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 की कमी है, इसकी वजह से 6 यहाँ पे नहीं, 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बच गया, 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और अब 6-7 की कमी थी ना, 6 इस इन दोनों में 6-7 की कमी थी, इसकी वजह से 6 यहाँ पे नहीं, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, 6 इन दोनों में ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉक हो गया, 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 6 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 3 की कमी थी, 3 यहाँ पे आ गया, ओके, 3 यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 2 की कमी थी, 2 यहाँ पे आ गया। अब 1 2 की कमी है, 2 इन दोनों में नहीं आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, इसकी वजह से दोनों में नहीं आया, 2 3 4 4 की कमी है, तो 4 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 5 6 7 बच गया, 7 यहाँ पे आ गया, ये आपका सुडोकू था।